अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर मैनकुरी स्कॉलरशिप और इट्स रिलेटेड पोजीशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से इनबॉक्स में पूछते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोगों ने इस लिंक पर जाके इधर क्लिक करना है हाउ टू के बाद आपने फाइंड करना है जॉब। फिर इधर जब आप आ जाएंगे आप अपनी रिलेटेड जो है ना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस रिलेटेड में जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आपको स्पेसिफिक कंट्री नहीं चाहिए, आपको मैनकुरी चाहिए, तो आपने सिर्फ अपने फील्ड को सेलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग। इस केस में मैं इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबसे पहले वाले को सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं रीड करता हूँ कि हाँ जी ये मेरे रिलेटेड है, तो मैं उसके बाद फिर इधर मैं फुल डिटेल पे आऊँगा। फुल डिटेल के बाद जब मैं देख लूँगा ये सारी चीज़ें कि हाँ जी ये मेरे जो क्वालिफिकेशन है और मेरे जो रिसर्च एरिया या ये मुझे इंटरेस्टेड है, ये मुझे इंटरेस्ट है इसमें, तो आपने क्या करना है, वेयर टू अप्लाई में आके आपने इधर ये सारे जो ये वेबसाइट है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपना सारा डिटेल देना है, और ये डिटेल दे के आप लोगों ने इसके बाद इधर आके सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पोजीशन, ये जो होता है ये सारा अर्ली स्टेज रिसर्चर का जो ये 15 पोजीशंस है, इसमें से आपको कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप मल्टीपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद है और इंटरेस्ट इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, तो मैं सारों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर इधर मैं अपने मुताबिक कर लूँगा कि मुझे अर्ली स्टेज रूल चाहिए या एडुकेशन रूल चाहिए या PhD रूल, तो मैं जो है ना PhD रूल को करता हूँ, क्योंकि मैं मुझे इसके साथ PhD भी करना है, तो मैं PhD रोल करता हूँ। और इधर आके मैं अपने सारे डिटेल जो मतलब CV है अपलोड करता हूँ, मास्टर बैचलर जो मुझसे मांग रहे हैं, और ये अगर मेरे पास है तो मैं इसको सारों को एक मैं फाइल में जमा करके सबमिट कर देता हूँ। फिर इधर आके आई हैव टू रीड द एक्सेप्टेंस एंड सबमिट, तो ये आपका जो है ना एक प्रोजेक्ट के लिए आपका सबमिट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।